इतना ही अस्थि बचा है मेरे फोन का, अब क्या करें इसका, पिंडदान कर दे। कहां बबलुआ? अरे उसने तो कल ही यहाँ की नौकरी छोड़ दी थी, आता होगा अपना हिसाब करने। क्या पेशाब करने? पेशाब करने गया तो क्या हुआ, बुलाइए उसको, अभी बुलाइए। कैसे पेशाब करने चले? हिसाब। एक मिनट एक मिनट, हिसाब करने? हिसाब करने जी। ये वही है जिसका मोबाइल रिपेयर किया था, ये पुलिस वाला है। चल 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 चल, एक तो ससुरा हमसे इतना बड़ा बवंडर हो गया, इन दिनों लोगों का मोबाइल बनाने के बहाने ऐसा तिकड़म लगाए कि कुछ ही घंटों में मोबाइल फूट जाता है। गलती से वो पुलिस वाले का मोबाइल रिपेयर कर दिया, कुछ घंटों में उसका मोबाइल फूट गया, पूरा का पूरा थाना पीछे पड़ा है भाई, पूरा पूरा थाना। भैया जी, इसीलिए हम भी जितना चोरी का सामान है ना सब एक जगह पैक करवा दिए, पता नहीं कब समेटना पड़ जाए। अरे वाह मोंटू, तुम तो बहुत फैंटम हो यार है। अरे ये बात, तुम सुपर हीरो हो, तुम पता है गैंग के असली हीरो ना तुम ही हो, गर्व है हमको तुम पर, गर्व है। वाह, थैंक यू भैया जी, थैंक यू। सुनो, हमने कुछ सोचा है, एक वीडियो और बनाओ। जी भैया जी, हम भी यही सोचे थे कि एगो वीडियो और बनवाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग का। सटिया गए हो क्या यार, पागल हो क्या? अरे हम सौर तूफान वाले वीडियो की बात कर रहे हैं। नहीं भैया जी, अभी एकाध कोई पुलिस पीछे पड़ी है, मतलब आप क्या चाह रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जब तक पीछे नहीं लग जाएगा आप नहीं मानेंगे क्या? लीडर है तुम्हारे हम, समझे, जैसा कहते हैं वैसा करो। समझे कुछ ऐसा होगा। देखिए आप उसे फोन ट्राई कीजिए, देखिए उसका फोन लगता है क्या। जी मैडम। मोबाइल ही ऑफ कर देता हूँ। अरे मैडम, पहले तो घंटी जा रहा था, अब तो स्विच ऑफ बता रहा है। अच्छा, ये जो आपका कारीगर है उसका नाम क्या है? बबलू। उसका कोई फोटो वगैरह कुछ है आपके पास, है तो प्लीज दिखाइए। हाँ है, ये रहा बबलू। यही बबलुआ, यही बबलुआ मैडम सर, इसी की वजह से हमारा फोन ब्लास्ट हुआ, संतोष जी का फोटो। हाँ मैं ठीक कह रहे, अब बहुत बढ़िया से एकदम स्टैटिक टीवी एकदम बहुत अच्छा फिटफाट कर दिए थे मैडम। अब सौर तूफान के कारण फटफट आ गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब प्राकृतिक आपदा है, इसके आगे किसका जोर है आप ही बताइए। ये दोनों साथ में? मैंने कहा आदाब बजा लाते। क्या लाता हूँ? आदाब बजा लाता हूँ मातरमा, हमारा आदाब कबूल फरमाइए। अच्छा अच्छा, वो आप ऐसे आ रहे थे। आपको देखकर हमारे अंदर से एक गुस्ताक्षर निकलने के लिए बेचैन हो रहा है। जह नसीब सुभान अल्लाह जिल्ले इलाही। इतनी अच्छी उर्दू कहाँ से सीखी? ये है ना जोड़ी है? ये रूही वाले अबू जान। ए बिल्लो, आपके मदमस आंखों को देखकर ये शेर पढ़ा जा रहा है। अंगड़ाई तेरी तौबा, कशिश तेरी मलंग थी, खंडर खुद बता रहा है इमारत कितनी बुलंद थी। क्या खंडर बोल रहे हैं आपको पुष्पा जी? मां इमारत भी तो बोला ना। माफ फरमाइएगा, जय मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। ये क्या? ये जुम्मन चाचा है मैडम सर, उस दिलफेक आशिक। अब इतनी भी मोहब्बत ना करो कदरदानों कि मोहब्बत को हमसे रश्क हो जाए, ना करो उल्फत इतनी कि हमको हमी से इश्क हो जाए।
ओ रुई वाले चाचा, इतना ना फैलो, काट दिए जाओगे, ना कह पाओगे हेलो। और अगर आज के बाद किसी ने कोई भी मैसेज बिना समझे, बिना अच्छे से पढ़े फॉरवर्ड किया, तो मैया कसम उसका वो बारात निकालेंगे ना कि जिंदगी भर एक ही मैसेज भेजेंगे कि दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसा नहीं देखा। समझ गए? खूबसूरत लोगों को हमेशा गुस्से से दूर रहना चाहिए। क्या है कि चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है, ऐसे गुलाब जैसे ताजे रुखसार के ऊपर झुंझरियां अच्छी नहीं लगती है हसीना। करिश्मा, हसीना मैडम, हम करिश्मा हैं। हाँ, वो भी कम हसी नहीं है, मगर आप हो कमल के पत्ते पे टिकी ओस की खूबसूरत शबनम। वाह चीचा, संभालिए अपने आप को, आप खूटे से उखड़ रहे हैं। चेक करो किसका मैसेज है। चीचा उठा ले, अब उठा ले खुदा, अब उठा ले। चाचा ज्यादा शिद्दत से रिक्वेस्ट मत कीजिए, तत्काल में इंतकाल कर जाइएगा। उठा लिए। ए खुदा, कभी ये दिन ना दिखाए हम जिसे लाइन मारे वो चाचा बोल के निकल जाए। माँ, और रुई वाले अबू जान में जान है कि नहीं चेक करो। हाँ है, है। और क्या अबू जान बिल्लू? पापा है चीते। माशाल्लाह, बहुत हसीन है आप बचपन से। SHO हसीना मलिक। SHO सुंदर हसीन। ओफो गजब चीचा, सारी का वर्कशॉप वगैरह देते हैं आप? सॉरी सॉरी मैडम सर, सॉरी। करिश्मा मैडम, ये मैसेज मोंटू के नंबर से नहीं आया, कोई नया ही नंबर है। ये देखिए वीडियो। मैडम सर, लखनऊ वालों, खतरा बढ़ता जा रहा है। इंसान भी इन धमाकों की चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धोने लगे। आज शाम 4 बजे तक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों से दूरी बनाकर रखें, वरना कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इस बार जानबूझकर लखनऊ का नाम मेंशन किया गया है, जाहिर है लोगों के मन में ना डर पैदा करने के लिए। मैडम सर, अब मैडम सर ये आवाज कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। अच्छा, याद करो किसकी आवाज है। अब मैं याद करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, कोशिश करती रहो, याद आ जाएगा। लेकिन एक चीज हमें समझ नहीं आ रही है, ये इतना सारा सामान चोरी कर तो रहे हैं, लेकिन इसका करेंगे क्या? जाहिर है, चोर बाजार में बेच देंगे, और क्या करेंगे। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, करता था, 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 था। एक चोरी एक डाका, एक चोरी एक डाका, दोनों चोर बाजार में मिलता। एक बेचने वाला एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला महंगा मैडम, एक खरीदने वाला, एक एक चोरी एक डाका, दोनों चोर फाटा अंदर लो अपना, दोनों चोर बाजार में मिलता। क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? इतने आइटम एक साथ चुरा रहे हो हैं? दिमाग भेज खाया है क्या? कौन लेगा इतने आइटम एक साथ? अरे भैया, कैसे कैसे जतन करके तो लक्ष्मी मैया को मना के लेके आ रहे हैं, और एक आप हैं कि जो बीच में भांजी मार रहे हैं। 70 लाख रुपये का सामान लेके आ रहे हैं, बोलिए कितने में लेंगे? 70 लाख? 20 20 20 तो बहुत कम है, ये तो आधा भी नहीं हो रहा है। 20 से ऊपर तो एक पैसा भी नहीं। अरे पता नहीं माल बिकेगा नहीं बिकेगा आगे, मैं तो फिर भी 20 दे रहा हूँ। 20 में फाइनल तो हाँ बोल। डन। डिलीवरी कहाँ करनी ये बताइए। मेरे 11 नंबर वाले गोदाम में। और सुनो, पीछे वाले गेट की तरफ से आना। हाँ ठीक है, पहुँच जाएगा भैया। क्या मेहंदी में गिर गए थे क्या? ये कौन बीमारी लेकर आई है मुझको? आदाब आदाब आदाब, इधर आदाब। अरे बड़े मियां, हाँ बताइए। जनाब,
नमस्कार, हम मुकुंद शर्मा क्षमा चाहते हैं, अभी थोड़ा व्यस्त हैं। बीप के बाद संदेश छोड़े, हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे। धन्यवाद। हमको 400 मोबाइल, 60 फ्रिज और 30 टीवी और माइक्रोवेव, 50 लैपटॉप, 100। क्या बात है बड़े भैया, मतलब मॉल वॉल खोलने का इरादा है क्या? चलो। अम्मा मियां, हम मॉल खोले, दुकान खोले, किसी को फ्री में बांटे, आपको क्या? हाँ, आप बताइए आपके पास माल है कि नहीं, वरना हम कहीं और जाते हैं। चलिए। अरे संभालिए। बड़ी अम्मी आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। शताब्दी। देखिए बड़ी अम्मी लगा रखा है आपने। हम क्या बड़ी अम्मी लगते हैं? आपको कैसे पता? हम तो छोटी दीदी है, आपको कैसे पता बुरखे के अंदर बड़ी अम्मी है? हा? अरे हमें तो बस आपके शौहर की उम्र को देख के थोड़ा अंदाजा हुआ था। कौन शौहर? कौन शौहर? कौन? ये हमारे शौहर नहीं है। हाँ, ये तो दादाजी है। ज्यादा मत खांसी वरना निकल जाएंगे। अच्छा बताइए ना भाईजान, आपके पास माल है कि नहीं, आप देंगे कि नहीं, वरना हम निकल जाते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, माल सब मिल जाएगा, मगर पैसे किस तरह अदा करेंगे? है ना पैसे? हाँ हाँ, पैसे तो लाए हम। ये देखिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। पूरी तैयारी के साथ आए आप लोग हैं। मिलेगा मिलेगा, प्रॉपर माल मिलेगा, सारा माल मिलेगा। और आप लोग चाय वाय पीजिए बैठकर, है अपनी दुकान समझिए, मैं अभी जरा कंफर्म करके आता हूँ, मेरा आने ही वाला है माल सारा। है वो मोबाइल खुल गया, सॉरी सॉरी। हाँ जी, जल्दी आना भाई। हाँ 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 जी। मैडम सर, मैडम सर, वो जो दुकान का मालिक है ना, अभी फोन पर बात करते हैं। हाँ, हमने देख लिया, हम जा रहे हैं। चलो जी। नहीं चाहिए। क्या गजब कर रही है मोहतरमा, अब क्या ये हमारे दादा नाना बनने की उम्र है? तो हमारी भी तो कौन सी उम्र है आपकी बीवी बनने की? अरे जरा देखिए खुद की तरफ और देखिए हमारी तरफ। हाँ, आप जैसे झूलता खंडर, कांपती मीनार, वजूद के नाम पर बस दो बूंद जिंदगी के, और हम जवान जहान हसीन खूबसूरत जिंदगी से भरपूर लड़की। कोई भी मेल है आपस में नवाब साहब की तरह? कौन है ये नवाब? है कोई निहायत ही शरीफ और तजुर्बेदार आदमी। अरे मौका तो देखिए, हम भी आपके वो जो नवाब साहब से ज्यादा तजुर्बेदार नहीं निकले तो बोल देना। हाँ। अजय सुनिए तो, हाँ सारा सामान आ गया ना? हाँ हाँ सामान ले आए, पीछे रखा हुआ, जाके चेक कर लीजिए। चल चल। मैडम सर, हमें अभी ना मुकुश शर्मा दिखा, वो मोंटू जिसने वो शोर तूफान का मैसेज फॉरवर्ड किया था चिचा को, वही है ये। ये वही मोंटू है ना जिसका रिपेयर किया हुआ टीवी फट गया था? मैडम सर, हमको लगता है यही सही वक्त है, हम अभी जाते हैं, धर के लाते हैं उसको और बताते हैं उसको। नहीं नहीं करिश्मा सिंह, हो सकता है हमारे मूवमेंट से वो अलर्ट हो जाए और वहाँ से भाग जाए, इसलिए अभी कुछ नहीं कर सकते, रुकिए जस्ट वेट। ठीक है मैडम सर, वेट करते हैं। करिश्मा सिंह क्या चल रहा है,
नहीं मैडम सर, अभी वो अंदर गए और सामने ताड़पत्री लगा हुआ है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, नजर रखिए, कुछ हो तो हमें बताइए। हेलो, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद संतोष शर्मा, बोलिए। मैडम सर, वो वीडियो में जो आवाज है ना, वो मुकुंद शर्मा उर्फ मोंटू से 100% मैच कर रही है और इसमें कोई भी शक नहीं है मैडम सर। मैडम सर, ये वीडियो वाला आदमी और मोंटू एक ही है। वेरी गुड जॉब संतोष शर्मा। बहुत अच्छा संतोष जी, बहुत अच्छा। अगर कुछ भी और अपडेट हो तो तुरंत हमें बताइएगा। जी, जय हिंद। जाओ देखो क्या हुआ। मैडम सर, गाड़ी में तू बबलू दिख रहा है जो हमारा फोन रिपेयर किया था ना, वो। सारा सामान बराबर है, मैं शटर खोलता हूँ, ट्रक पीछे पार्क करता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, गाड़ी अंदर पार्क करो। ठीक है, भैया जी पुलिस, जल्दी जल्दी गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, जल्दी जल्दी। गन देख रहे हो हमारा, बहुत चंचल टाइप का है, चल जाता है, हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं रहता, समझे। सीधा सीधा सवाल पूछेंगे, सीधा सीधा जवाब चाहिए, वरना तुम तो ये बोलने लायक भी नहीं रहोगे कि दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुम साना देखा। सप्लायर किधर है, कहाँ रहता है, किधर मिलेगा, जल्दी बताओ वरना यहाँ ही सर फोड़ के चीथड़ा कर देंगे। बताता हूँ 303 जवाहर नगर खंबा रोड। करिश्मा सिंह, मैडम सिंह, चलिए इस केस को खत्म करते हैं। जी मैडम। निकाल निकाल निकाल। लूट का सारा सामान जब्त किया जा चुका है? जी, लूट का सारा सामान बरामद हो चुका है, आधे लोगों को उनका सामान वापस मिल भी चुका है और बाकी सबको बहुत जल्द मिल जाएगा। आगे इस तरह की अफवाहें ना फैलें, लोग इस तरह की झूठी अफवाहों से मिसगाइड ना हो, प्रशासन इसके लिए क्या कदम उठा रहा है? देखिए, हम सिर्फ पुलिस वाले हैं, हमारा काम है क्राइम रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना और कानून प्रशासन के लिए लोगों में भरोसा बनाए रखना। हमें लगता है कि हम ये काम शायद अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे ऐसा करने से क्राइम रेट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? नहीं, क्योंकि ये हमारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। आज के इंटरनेट के जमाने में हम हर चीज ऑनलाइन पता कर सकते हैं, तो फिर एक अफवाह को आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसे क्रॉस चेक क्यों नहीं करते? क्योंकि इस तरह की अफवाहें जब एक से बढ़कर हजारों लाखों लोगों तक पहुँचती है तो धीरे धीरे एक राक्षस का रूप ले लेती है। ये क्रिमिनल्स हमारा फायदा उठाते हैं क्योंकि हम इन्हें फायदा उठाने देते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा कि झूठ को अगर चिल्ला चिल्ला कर बार बार कहा जाए तो वो सच नहीं हो जाता, लेकिन लगने लगता है। इसलिए हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की अफवाहों को आगे ना फैलाएं और एक जागरूक नागरिक बने। और एक और चीज, हमें मौसम विभाग और डिजास्टर मैनेजमेंट से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई है, ये सौर तूफान एक बहुत बड़ा झूठ है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, सो प्लीज रिलैक्स, आपको और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को कुछ भी नहीं होगा। और जुम्मन मियां, आप, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कितने मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, इससे ये नहीं पता लगाया जा सकता कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। लोग आपसे मोहब्बत करते हैं लगता तो नहीं। रुई वाले चाचा, जिन्हें करनी चाहिए वो करते हैं और हमें लगता है उतना काफी है, तो प्लीज इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाना बंद करें,
कम से कम शेरो शायरी करने वाले लोगों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खुल गई, देरी से खुल गई लेकिन आँख खुल गई। समझ में आ गया कि कोई भी मैसेज जो आता है वो सेंड करना खेल नहीं है, मैसेज सेंड करना बहुत जिम्मेदारी का काम है। आज मैं सारे शहर के सामने वादा करता हूँ कि कोई भी मैसेज बिना सोचे समझे या उसकी सच्चाई जाने बगैर उसे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। और आप सबको